Hey, hello, what's up, gang? Welcome back to another reaction episode of Charlie Reacts. Yes, guys, we are back again. भाई, this time हम लोग भाई एक diss track सुनने वाले. Diss track, ठीक है? तो मेरी खुशी अलग ही रहती है diss track के लिए, ठीक है? क्योंकि उसमें ज्यादा बंदे की लिरिकल एबिलिटी और स्किल्स देखने को मिलता है. तो हम लोग आज जिसका diss सुनने वाले हैं, ठीक है, तो वो बंदे का नाम है सैदर सैम. एंड ही मेड अ डिस ट्रैक नेम कलम पिंक, ठीक है? एंड तुम लोगों को पता चल गया होगा कि किस पे है डिस ट्रैक, ठीक है? कलम इंक पे है. एंड द थिंग इज कि ठीक है भाई, देखो ऐसा भी नहीं है कि डिस ट्रैक कोई बना रहा है तो बस फेम ही फेम के लिए, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि कलम इंक के भी ज्यादा से बहुत से गानों, मैंने लास्ट के 3-4 गाने सुने, तो उसमें शॉर्ट्स हैं, किसी ना किसी को हैं. तो भाई अब कोई भी जब किसी को शॉर्ट्स दे सकता है यार, ये इंडिपेंडेंट तो है ही ना. ये तो एक बंदे को आजादी है कि वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है अपने गानों में, ठीक है? गानों में, ठीक है? एंड उसको भी तुम, अगर तुम्हें जवाब देना है तुम भी दे दो, कोई इशू नहीं है. सो आई डोंट नो, मैंने ये ट्रैक सुनने में इतनी लेट क्यों की मुझे नहीं पता. एंड ये ट्रैक को आए हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया भाई, 10 दिन हो गए, ठीक है? ओके, एक इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिली मुझे कि 18 माइनस लिखा है, यानी कि इसमें कोई गालियां नहीं होने वाली. एंड ये जो वे था ना लिखने का, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, 18 माइनस. ओके, तो 18 प्लस तुम लोग समझते ही हो, लेकिन ये 18 माइनस है. एंड सॉन्ग, आर्टिस्ट, लिरिक्स, म्यूजिक, मिक्स मास्टर, वीडियो एडिट, भाई सैदर सैम क्या कियो, सब कुछ अकेले किया है क्या भाई ने? ओके, सब कुछ अकेले किया. लेट्स गो, चेक करेंगे कैसा है ट्रैक. एंड हाँ, रिएक्शन पसंद आएगा तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना, ठीक है? चलो लेट्स गो, सुनते हैं कैसा है ट्रैक. मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट से भाई एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई रहती है. लेट्स गो. भाई काफी टाइम से देख रहा हूँ सीन में कुछ भी हो रहा है. बहुत डिजर्विंग आर्टिस्ट जो सालों से ग्राइंड कर रहे हैं वो गिव अप कर रहे हैं भाई. फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स है भाई. जो भी सालों से ग्राइंड कर रहे हैं वो गिव अप कर रहे हैं क्योंकि उनको फेम नहीं मिल रहा है. मतलब फेम नहीं यार, उनको रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है. उनकी आर्ट के थ्रू भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. फैक्ट्स है भाई. इसमें पॉज करूंगा मैं जहां मुझे सही लगे, ठीक है? और कुछ बंदे वैक्स शीट दे के फालतू की क्लाउट और हाइप ले रहे हैं. और हाँ भाई, तेरी गुलाबी कलम का बोल फैक्स लिखे पहले. माँ की गाली देने से कोई हार्ड कोर नहीं हो जाता. अब फैक्स सुन. ये बात बहुत सही लगी मुझे कि एंड एक ट्रैक में वो बहुत अजीब सा लगा मेरे को, वो जो एक ड्रिल वाला था ना, उसमें एक दोस्त को बुलाता था मैं दोस्त, वो माका समथिंग बोलता उसको, तो वो वाली बहुत अजीब सी, मतलब क्रिंज टाइप की लगा मेरे को. लेट्स गो. मैं उब चुका पहले से, दबूंगा नहीं तेरे कहने से. फौलादी मेरी पहने बेशिकन ले आदू चेहरे पे. सच खड़वा सुन के उसके फैन होंगे बेरे से. पर चुप नहीं मैं बैठूंगा अब किसी के कहने से. हे कसम खुदा की तुझे सूली पे उतार दूं, बस की नहीं है तेरे अपने. बीट भाई, बीट 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 भाई, बीट के लिए शाउट आउट सैदर सैम भाई. बीट के लिए, मतलब बीट ड्रॉप से ही मुझे समझ गया कि क्या किस टाइप की होने वाली बीट. और मेरे फेवरेट बीट्स में से एक ये है भाई, ठीक है? भाई क्या भी ड्रॉप. एंड वहां से वो चीज जो लिरिक्स उसने बोली ना, क्या है, अब किसी के कहने से. हे कसम खुदा की तुझे सूली पे उतार दूं, बस की नहीं है तेरे अपने भैया को पुकार तू. गाने तूने छोड़े उसमें लिखना भूला बार्स तू. अगरे पर तुझको कभी नहीं सुनेगा इतना जान तू. फास्ट तू नली में गली में भटका फिरेगा. कला की तू बेइज्जती, ये बंदा तुझको चीरेगा. लिखाई तेरी तू चाहे बटन ले आ तू हीरे का. जितनी जल्दी चढ़ा तू उतनी. एक मिनट, ही सेड की लिखाई तेरी थू, एक सेकंड. का इतना जान तू. फास्ट दूंगा नली में गली में भटका फिरेगा. कला की तू बेइज्जती, ये बंदा तुझको चीरेगा. लिखाई तेरी थू चाहे बटन ले आ तू. लिखाई तेरी थू, आई मीन स्पिटिंग, वो वाला थू, ठीक है? डिसरिस्पेक्ट, समझ रहे हो? लिखाई तेरी थू, भले तू मतलब सिर्फ डायमंड प्ले बटन भी ले आओ, कोई मतलब नहीं है भाई, अगर तुम्हारी लिखाई ही बेकार है. आई डोंट काउंट इट, ये ऐसा भाई का कहना, ठीक है? का जितनी जल्दी चढ़ा तू उतनी जल्दी गिरेगा. वो जीरा पर देखे मैंने सीन में दबे हुए. इसोरा वैक देखे और हम हिट देखे जगे हुए. कलाकारी पे धूल नहीं भले जूते फटे हुए. हसल तूने देखी नहीं भैया के बच्चे सुने तुझे. बातें बकता खुल के मैं दिल में कुछ भी नहीं रखता. हिट तेरे रंगीरो ने ड्रिल तेरा फक्का. माँ बहन की गाली बके इम्प्रेस करे जनता. काफी छुप है कोई तुझे हिप हॉप में नहीं गिनता. छसे में चलाए कैंपेन तेरे भाई ने. तेरे चैनल पे व्यूज करे अगेन तेरे भाई ने. और दुआ के सफाई दे मैं. भाई ये कितना कितना मतलब हैवी वो होता है ना, किसी पे क्लेम करना ये चीज को कि ये चीज तूने नहीं किया है. तेरे
एंड इसका प्रूफ देना पड़ेगा भाई, अगर कलम इंक आएगा तो इसके उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ने जो जो दिया उसको शॉर्ट्स को, पहले तो तुम्हें रिप्लाई देना पड़ेगा भाई। ये मतलब किसी को अगर बोल दिया कि तू ये कर रहा है बे तेरे चक, तू तो उससे बड़ा हुआ है ठीक है, उसके चक्कर में, उसके वजह से तू बड़ा हुआ, ये चीज बहुत ठीक है, बड़ी वो होती है ना। ठीक है बेन, तेरे भाई ने तेरे चैनल पे व्यूज करे अगेन, तेरे भाई ने, और तू आके सफाई दे मैं व्लॉग में नहीं भाई की, जो रैपर तेरी इज्जत करे एक बता कहां है बे। कोई नहीं करता भाई, आधे से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है राइडर, गाली देके गानों में वीडियो में हो रहा है। एंड हाँ, तुम लोग को नहीं पता तो वो कलम इंक का भाई वो जो बिग बॉस में है, UK 07 राइडर समथिंग है ना, उसका नाम नहीं पता मेरे को, बाबू भैया बोलते हैं ना समथिंग, वही नाम है क्या मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उसके ब्लॉग नहीं देखे, बस मैंने जानता हूँ उसे कि ये इसका भाई है ठीक है, मैंने कभी नहीं देखे उसके ब्लॉग, ओवर एक्टिंग लगती है भाई टू बी ऑनेस्ट, नहीं अच्छे लगते मेरे को ब्लॉग्स देखना, मुझे ही नहीं पसंद है भाई, मैं सौरभ जोशी के भी नहीं देखता भाई, मुझे नहीं पसंद है ब्लॉग्स वगैरह। आधे से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है राइडर, गाली देके गानों में वीडियो में हो रहा हाइपर, आगे तू यूट्यूब पे इलाज मैं करूंगा तुझे, टाइपर पहना के उसमें लगा दूंगा लाइटर, माखी गाली दूंगा नहीं मैं तेरी, तेरा नीच नहीं, लाइनें ढापे तला की लिखाई पहले सीख भाई, पहला वाले भाई ये तो गलती 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 कर रहा है एकदम, ही सेड कि क्या लाइनें थी, गाली दूंगा नहीं मैं तेरी, तेरा नीच नहीं, लाइनें ढापे तला की लिखाई पहले सीख भाई, मतलब तुम्हें भी पता होगा कि तला अंजुम के काफी ट्रैक्स की मतलब छोटी छोटी एक एक लाइन उठा के जैसे कई गानों में है, मुझे नाम नहीं क्योंकि प्रॉपर मैंने मुझे याद नहीं आ रहा किस ट्रैक की है वो लाइन, लेकिन है कलम इंक के कई गानों में है वो चीज, तला वाली लाइन्स रहती हैं, तो ही सेठ की तला की लिखाई को ढाप रहा है, पहले तो लिखाई सीख भाई। तला की लिखाई पहले सीख भाई, पहला वाले एडलिप्स कॉपी करना ठीक नहीं भाई, ये तो भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है भाई, बंदे इतने क्या कहते हैं उसको भाई, इतने इतने चीजें बोल दे रहा है ना, इतने आरोप लग जा रहे हैं ना भाई पे कि ही सेड कि बेला वाले एडलिप्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा लगता है बेला वाले एडलिप्स टाइप का, मतलब जैसा बेला पहले करता था ना, जो बेला के पुराने थोड़े से पुराने ट्रैक्स हैं उसमें सुनना तो, एंड वो वाली फील तुम्हें इसमें भी मिलेगी ठीक है। एंड हाँ भाई सही है भाई, मेरे हिसाब से तो ये जितनी अभी तक बातें बोला वो सही है भाई, ठीक हाथ दूंगा भीतर मैं निकलने दूंगा जीव नहीं, हर गाने में सेम फ्लो मैं चॉपर करूँ ना रेंडो, तू समझ नहीं पाता तभी तो सिंपल लिखा डैम ब्रो, रेन को डालो मैं बरसाने वाला बार्स, मैं रैपर वो जो फाड़े तेरी बिना मले घास, तलाश तुझे कोने की होगी होके हताश, भड़ास मैंने निकाली है फैक्स के साथ, जवाब नहीं है तेरे पे मैं जानता इन सबका, सबकी तरह नंबर दे के तेरे नहीं मैं दबता, वो चुप चाटे नेम फेम गेम के लिए, मैं खौफ रखू किसी का नहीं बस रखता रब का, मैं खौफ रखू किसी का नहीं बस रखता रब का, सैदर सैम ऑन द माइक। क्या ही बोलूं भाई इस पे, मैं क्या ही बोलूं भाई इस पे, क्या ही बोलूं भाई, ये बहुत फाड़ ट्रैक है। देखो इसमें सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, अच्छी बात क्या लगी वो बताता हूँ ठीक है, बुरी तो सब बता देते हैं यार, अच्छी देखो ये लगी कि पहली बात इसमें गाली गलौज नहीं थी, हाँ आई नो थी एक जगह, लेकिन वो म्यूट हो रखी थी या बीप हो रखी थी ठीक है, बीप हो रखी थी म्यूट नहीं थी, तो वो चीज़ अच्छी थी, एंड वो ज़्यादा नहीं थी गाली गलौज, ज़्यादा नहीं थी, एंड आई नो कि पहला ट्रैक है तो ऐसा होता है, एंड अभी तक शायद हम लोग को कलम इंक के साइड से कुछ सुनने को नहीं मिला ना कुछ देखने को मिला, तो आई डोंट नो कि वो रिप्लाई करेगा कि नहीं, क्योंकि वो भाई वो भी अपने वो बहुत आगे है ठीक है, अगर उस लीग पे एंड पॉपुलेशन पॉपुलैरिटी वाइज देखा जाए तो वो आगे ही है भाई, तो जल्दी नहीं रिप्लाई करते यूजुअल रैपर्स, रिप्लाई नहीं करते, तो मे भी हो सकता है अगर करता है तो भाई उसके भी गट्स की दाद देनी पड़ेगी कि उसने रिप्लाई किया ठीक है, एंड दैट्स इट, मुझे तो बहुत तगड़ा लगा ट्रैक, तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा, एंड सबसे बेस्ट पार्ट था म्यूजिक का, म्यूजिक के लिए भाई शाउट आउट सैदर सैम भाई, म्यूजिक बहुत फाड़ बनाई, बहुत फाड़ मतलब जहाँ से बीट ड्रॉप आया ना मेरा रिस्पेक्ट वहीं से ले लिया था, बीट ड्रॉप भाई मेरे को पूरा अटेंशन करने में मजबूर कर देता है कि ये ट्रैक कितना अच्छा होने वाला है, स्टार्टिंग का बीट ड्रॉप भी, तो दैट्स इट, तो तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा ट्रैक ये, एंड बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, कमेंट डाउन करना कि तुम लोगों को क्या अच्छा लगा, कौन सा बार अच्छा लगा, कौन सी लाइन अच्छी लगी, एंड क्या अच्छी नहीं लगी वो भी बता सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा ही बताओ, बुरा भी बता सकते हो ठीक है, सो
बताओ मुझे कमेंट करके, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर गाइस, टेक केयर, सी यू सून, पीस आउट।